हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय स्टडी चैनल स्विमिंग सेकंडरी। जैसा कि हमने कल बताया था आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने पढ़ा दिया अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। जैसा कि फोर पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम दूसरे पार्ट्स पे चल रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। तो मैं बता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये होता है जिससे आप प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, जो चल रहा है। इस पर कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, कंप्लीट अभी चल रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, कि राम खाना खा रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। प्रोसेस में देखिए, खा रहा है तो क्या हो जाएगा, कोई काम अभी हो रहा है, खा रहा है, खा चुका नहीं है या खा खाने जा रहे हैं, खा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले दूं, तुम अभी लिख रहे हो, लिख रहे हो, या आप देखिए इसमें जो कोई भी है जो लिख रहा है, अभी काम कंटिन्यूअस चल रहा है, लगातार जो है चल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आते हैं इसकी पहचान पे, इसकी पहचान क्या होती है। अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो कैसे इसको पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। पहचान तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगा रहता है, आदि शब्द लगा रहता है। तो कोई भी अगर वाक्य लिखेंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रहेगा, उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, लगा ही रहता है। जैसे कि अब मैंने अभी पिछला एग्जांपल लिखा था, राम खाना खाया, खाना खा रहा है, खाना खा रहा है। अब इसमें देखिए, ये जो है ये रहा है, रहा आ रहे हैं। जैसे सीता कपड़े धो रही है, इसमें भी देखिए रही आ रही है। इस तरह एक और एग्जांपल लिखते हैं हम, सोहन अपने घर जा रहा है, इसमें भी देखिए रहा आ रहा है। तो इस तरीके से हम रहा है, रही है, रहे हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे हम पता चल जाए कि पहचान इसकी क्या होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अब आते हैं इसमें तीन टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है। तीनों फॉर्म इसके भी होते हैं। तो अगर हम पहले बात करें कि अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे हम इस चीज को ट्रांसलेट करें। अगर आप अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव का ये होता है, अफर्मेटिव रूल। तो सबसे पहले अगर इस टाइप सेंटेंस को बनाने के लिए, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उसमें हम सब्जेक्ट स्पेलिंग बनाते हैं या मीनिंग बनाते हैं। इसके बाद क्या होता है, हमारा इज, एम, आर। इसके बाद क्या होता है, जो हमारी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा बेसिक जो है रूल्स होता है। इसी इसके अकॉर्डिंग हम अपना पूरा सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे मैं पहले की बात करूं, पहला कैसे इसको ट्रांसलेट करें, राम खाना खा रहा है। अगर मैं लिखूं राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है, अगर इसी सेंटेंस को लिखूं मैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें रूल्स क्या कहता है, सबसे पहले कहता है सब्जेक्ट, इसके लिए सब्जेक्ट में क्या है, राम राम। इसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड इज एम आर। क्या यहां पे इज एम आर किसके साथ यूज होगा, इज जो है सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, एम जो है ऑलवेज आई, आई के साथ में, और आर जो है प्लूरल के साथ में।
यहां पे सिंगल वाला है सब्जेक्ट राम, राम के साथ क्या आएगा टीचर आएगा इस, इसके बाद क्या आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है, मेन वर्ब क्या है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा पहले वाला तो उसको आप देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो इसमें इस, इसके बाद मेन वर्ब क्या इसमें है, खाना खा रहा है, तो खाना क्या होता है ईटिंग, ईट। इसके बाद ईट में तुरंत आईएनजी ऐड करना है तो ईटिंग हो जाएगा। इसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, मतलब क्या होगा फूड। इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसलिए अगर मैं दूसरे सेंटेंस की बात करूं, सीता कपड़े धो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट की सब्जेक्ट क्या है सीता, इसके बाद क्या है कपड़े धो रही है, इसके बाद क्या है सीता, सीता हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सीता क्या सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे स्पीकिंग लगाएंगे, सीता इज कपड़े धो रहा, कपड़े धो धो रहा, धो रहा क्या हो जाएगा वॉश, इसमें फिर आईएनजी ऐड कर देंगे वॉशिंग, इसका ऑब्जेक्ट क्या है कपड़े क्लोथ, वॉशिंग क्लोथ। थर्ड हम बात करें सोहन अपने घर जा रहा है, सोहन क्या, सोहन क्या हो जाएगा, सोहन सब्जेक्ट हो जाएगा मेरा, सोहन अपने घर जा रहा है, तो सोहन, सोहन के साथ क्या लगेगा इज लगेगा, सोहन के बाद इज है मार, इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या जा रहे हैं कहां तक, गो, गो में क्या लग जाएगा आईएनजी लग जाएगा, गोइंग टू अपने घर, अपने घर क्या हो जाता है जैसे कि मैं कल बताया था कि अपने घर क्या, अपने का क्या हमने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट किसी नेम में उसके साथ इज आएगा, तो हिज होम या फिर हाउस कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि चेंज कैसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट इजीली कर सकते हैं। अब आपको कुछ होमवर्क देंगे जिसको आपको सॉल्व करके रिटर्न भेजना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है मैं एक पत्र लिख रहा हूं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो। थर्ड इज वर्ब क्रिकेट खेल रहा है। फोर्थ इज मैं अपने बगीचे में खेल रहा हूं। इसके बाद फिफ्थ इज वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। सो प्रतीक्षा हो जाएगा वेटिंग, अगर प्रतीक्षा किसी को मीनिंग नहीं पता है प्रतीक्षा हो जाएगा वेटिंग, सॉरी वेट होगा बट इसमें हम आईजी ऐड करेंगे कि हमारा पीरियड कटिंग होना चाहिए वेट होता है। तो इस तरीके से आपका नेगेटिव सेंटेंसेस को आपके कंप्लीट होते हैं। अब और आगे हम चलेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस से। जस्ट राइट डाउन
अब आते हैं हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव मतलब जिसमें कि नहीं आता हो, जैसे कि हमने कल बताया था कि हर टेंस के हर पार्ट्स तीन पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो इसमें हम निगेटिव चलेंगे। निगेटिव का मतलब क्या कहता है या फिर हम कैसे पहचानेंगे, उससे पहले एग्जांपल लिखते हैं। जैसे वह अपना काम नहीं कर रहा है। अब इसमें जो नहीं वर्ड आता है ना, इसे हम पहचान करते हैं कि ये निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, चाहे किसी भी टेंस का हो किसी भी पास्ट का हो। नहीं, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो। यस, हो सकता है। तो इसमें भी देखिए नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको पहचान करेंगे। इसके वजह से हम पहचान कर लेते हैं कि ये निगेटिव सेंटेंसेस हैं या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। यहाँ पर हमारा निगेटिव सेंटेंसेस पढ़ना है तो सब निगेटिव सेंटेंस। अब इसका रूल क्या कहता है? रूल है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दूसरा। तो मैंने जैसे कल भी बताया था, कल के वीडियो में बताया था कि आपको मैक्सिमम जितने भी हमारे सेंटेंसेस बनते हैं हमेशा हैविंग वर्ब के बाद ही नॉट यूज करते हैं। जैसे मैं आप पहले क्वेश्चन को मैं पहले क्वेश्चन का एग्जांपल लेता हूँ, वह अपना काम नहीं करा। इसमें रूल्स क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या इसमें वह, वह क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा ही। इसके बाद तुरंत आ जाएगा इज एम आर। ही क्या सिंगल, सिंगल सब क्या लगाएंगे हम? इज लगाएंगे, ही इज। इसके बाद तुरंत नॉट, नॉट तो वर्ब का फर्स्ट, वर्ब का फर्स्ट क्या है? करना, करना क्या होता है? डू। फिर इसके बाद आई एन जी, इसमें आई एन जी डूइंग। इसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? अपना काम, अपना काम क्या? ही का अपना क्या होता है? ही होता है इज वर्ब। इस तरीके से अगर दूसरे की बात करें तो सब्जेक्ट की, तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो। यू, यू यू हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है। प्लूरल साथ क्या लगाते हैं हम? आर, यू आर। इसके बाद तुरंत नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा इसमें? जाना, जाना क्या होता है? गो, गो में आई एन जी ऐड करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? विद्यालय, गोइंग टू स्कूल। तो इस तरीके से हम इस चीज को भी ट्रांसलेट इजीली इसी वे में कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, कुछ आपको होमवर्क देना है, होमवर्क करके खाना है। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कल के जैसे मीनिंग नहीं आ रहा है होमवर्क का, होमवर्क देने के बाद अगर कोई मीनिंग नहीं आता है तो जस्ट कमेंट सेक्शन ऐड या फिर आप हमको मैसेज कर सकते हैं, मैसेज टाइप कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे या फिर कहीं पे भी, व्हाट्सएप हो या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे कहीं भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं जिसका मीनिंग मुझे नहीं आ रहा है, आई विल रिप्लाई। जैसे पहला एग्जांपल है, मैं आम नहीं खा रहा हूं। दूसरा है, किसान किसान खेत नहीं जोत रहा है। विनोद गाली
नहीं दे रहा है। गाली नहीं दे रहा है। फोर्थ है नौकर नहीं आ रहा है। एंड फिफ्थ इज हरि अस्पताल हरि अस्पताल नहीं जा रहा है नहीं जा रहा है। ये अगर इसमें जोतने का बात करें जोतने का मीनिंग होता है प्लाउ पी एल ओ यू जी एच प्लाउ होता है। इसके बाद अस्पताल का तो हॉस्पिटल होता है तो जानते हैं। गाली देना गाली देना एक वर्ब होती है। गाली तुम्हारा एक से होता है वर्ब होता है मेन वर्ब होती है जिसे आई जी एड कर ए बी यू एस आई। अगर अगर आप ई लगाते हैं आई जी एड कर तो ई हट जाएगा वहां से आई एन जी हो जाएगा बट ऐसे होता है ए बी यू एस पी। ये दो आपका होमवर्क है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव पहले किसी भी टाइप्स का जस्ट यू कंसल्ट मी यू कॉल मी यू मैसेजेस। एंड अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी बहुत ज्यादा अच्छी नई वीडियो आ रही है बिकॉज़ आई हैव नो इंस्ट्रूमेंट सफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं इंस्ट्रूमेंट बहुत कमी है बहुत प्रॉब्लम्स है इसमें सॉफ्टवेयर बंद है इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है अभी वीडियोस क्लियर नहीं बट जितनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है जितनी जरूरतें हैं उतना तो हो रहा है उतना समझ में आ जा रहा है चाहे कोई सा भी क्लासेस हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Best of luck.